हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसका फुल और डिटेल नोटिफिकेशन मेन साइट पर आ गया है। मैं आपको फुल डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूं और इसका आवेदन आज से स्टार्ट है। दोस्तों, आपको जाना है NBCC इंडिया लिमिटेड की मेन साइट पर, फिर आपको उसमें करियर सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ द SPE & MT। दोस्तों, मैं आपको डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। ये आपका जो विज्ञापन संख्या है 1/2023 है। ये आपका 13 जनवरी को पब्लिश किया गया था। इसमें जो आपका पोस्ट है SPE का है, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल। आपका पे स्केल 40,000 से 1,40,000 रहने वाला है। E1 ग्रेड की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें टोटल पद जो है वो आपके 20 है और कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों, इसमें जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 30 साल। में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है फुल टाइम डिग्री मांगा गया है और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए PMC, EPC, रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप MTech किए हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार आपका SPE इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है। इसमें आपके टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, सेम अपर एज लिमिट है और सेम आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है MT की है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है। इसमें भी आपका E1 ग्रेड की रहने वाली है, सेम पे स्केल है और आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 20 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट आपकी 29 ईयर है और आपका फुल टाइम डिग्री मांगा गया है और इसमें जो आपका मिनिमम मार्क्स है वो आपका 60% होना चाहिए और आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसी प्रकार आपके MT इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसमें 5 वैकेंसी रहने वाली हैं। मैं आपको आवेदन कैसे करना है, आपको करियर सेक्शन पर जाना है मेन साइट पर, उसके बाद आपको आवेदन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपका 16 जनवरी सुबह 10 बजे से आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 15 फरवरी शाम को 5 बजे तक है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको कैसे कैसे भरना है। दोस्तों, जो आपकी MT की पोस्ट है उसमें आपका वैलिड गेट 2022 का स्कोर कार्ड मांगा गया है। आपके पास अगर 2022 का स्कोर कार्ड है तभी आप MT पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 1 और 2 पोस्ट के लिए SPE के लिए 1,000 है और जो MT के लिए आपकी 500 है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस, दोस्तों इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका जो MTE की पोस्ट है इसमें आपका गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट बनेगी, फिर आपका इंटरव्यू सीधे होगा। दोस्तों, इसमें आपके अलग अलाउंसेस दिए गए हैं कि आपको क्या क्या रिम्बर्समेंट होगा और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी बेसिक पे के अलावा। भराया जाएगा 3 लाख रुपए का। अगर आप 3 ईयर में इसको छोड़ते तो आपको ये पे करना होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग पोस्ट के लिए वेटेज दिया गया है, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 70% वेटेज होगा, आपका इंटरव्यू 30% का वेटेज होगा। तो इसी प्रकार आपका MT पोस्ट के लिए गेट का स्कोर जो रहेगा वो 70% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू आपका 30% वेटेज रहेगा। दोस्तों, आप लोग वैकेंसी को देख लीजिए और जो भी स्टूडेंट BTech किए हों उनके पास अनुभव है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो गेट पास हैं 2022 वो भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इसमें आवेदन कीजिए। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।